गुड मॉर्निंग, अभी सुबह हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं धनगौरी पे। तो अभी हम लोग सुबह सुबह चाय का मजा ले रहे हैं यहाँ पर, ताकि प्रेशर अच्छे से बन सके और पेट साफ हो सके करके। अभी हम लोग नदी के पास है और क्रिस है हमारे साथ, ताकि नदी में जाए और अच्छे से नहा धो सके। हम नदी के पास ही खड़े, तो चलिए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते सुबह मॉर्निंग का। पापा अपन ने तो ब्रश किया ही नहीं जी। अरे जंगल में क्या ब्रश करना, शेर कभी ब्रश करता है क्या? गाइस गुड मॉर्निंग, तो सुबह के 7 बज चुके हैं, हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, अब जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। धनगौरी पहुंच चुके हम लोग, रात को हम लोग 9:30 बजे उल्टा ही पहुंचे और फिर यहाँ पर पहुंचे हम लोग 11:30 बजे तक। खाते पीते सोते हमको 1 बज गए, तो सीधे सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा व्लॉग। तो चलिए चलते हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। आज पहुँचे हैं नागौर मेला का, तो चलिए आपको यहाँ के रंगीन नज़ारे दिखाते हैं। और बोला हम लोग जा रहे हैं आरती करने के लिए, तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर और आरती अटेंड करते तो गाइस अभी प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग कढ़ाई का प्रसाद बांट रहे इधर। क्या बना रहे अम्मा? मुर्गा नहीं, क्या बना रहे बोला? स्वेटर बना रहे। स्वेटर कितने की बेचते एक स्वेटर? 400 की, 300 की, 70 रुपया की, 60 की। बिकती क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हे गाइस, तो अभी हमारा पूजा वगैरह करके हो चुका है, आरती वगैरह हो चुकी है, तो अब बारी है डोमनशेष बाबा के दर्शन करने के लिए। तो अभी जाएंगे हम लोग डोमनशेष बाबा के दर्शन करने के लिए और आपको भी कराते हैं वहाँ के दर्शन। यहाँ सुहाना मौसम हो चुका है, बहुत ही रंगीन नज़ारे है, बिल्कुल हरी भरी वादियाँ, बहुत मज़ा आ रहा है इधर शहर से बाहर आके। तो चलिए आगे चल के दर्शन करते हैं और हमारे पीछे यात्री का नारे गाइस ये देखो, ये हमारे पूरे ग्रुप के पीपल है 28।
डोमनशेष बाबा, तो वो देख सकते हैं वो जो पेड़ के पीछे है, पेड़ के अंदर वहीं रहते हैं डोमनशेष बाबा। और ये है उनका मंदिर डोमनशेष बाबा का, चलिए आपको दिखा दिया वो मैंने मंदिर, देखिए ऐसा है वो पेड़ के अंदर जो है वहाँ पे बाबा का घर है अंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग का धनगौरी वाले बाबा के दर्शन हो गए, आरती हो गई और डोमनशेष बाबा के भी दर्शन हो गए, नदी की भी पूजा कर ली है। अब चल रहे हैं वापिस से धनगौरी मंदिर की ओर, फिर वहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते देखते हैं और फिर गाड़ी करके हम सीधा निकलेंगे अलमोद के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत सारे रंगीन नज़ारे होंगे। तो चलिए अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं गाइस, और आपको भी नए नए और कुछ अच्छे अच्छे चीज़ दिखाते हैं यात्रा में जो कि आपको हमने पिछले व्लॉग में नहीं दिखाया। तो चलिए अभी चलते हैं और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ गाइस। तो हम लोग जस्ट आ ही रहे थे, तो ये जो धनगौरी वाले बाबा का मंदिर है उस मंदिर के सामने बाबा ने खुद हमको दर्शन दिए, तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा जी को। नहीं 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 जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। तो गाइस अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग की तैयारी है अलमोद जाने की। तो अभी हम लोग गाड़ी वगैरह देख रहे हैं अलमोद वगैरह के लिए, भगत भगत आप तो अलमोद जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए मार्केट में, थोड़ा सब्जी वगैरह ले रहे हैं रात के खाने के लिए, तो कुछ सब्जी ले लिए हम लोग ने और कुछ ले रहे हैं आलू गोभी वगैरह पुलाव बनाने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में है। तो अभी हम लोग पहुंच गए गाइस जुनार देव में, यहाँ पर ले रहे हैं सब्जी, तो हमने कुछ सब्जी ले ली है और अभी कुछ ले रहे हैं पप्पा ले रहे हैं आलू छिंदवाड़ा आलू। गाइस अभी हम लोग जुनार देव में पहुंच चुके हैं और शॉपिंग वगैरह भी हो चुकी है रात के खाने के लिए, चावल सब्जी वगैरह जो कुछ भी है वो सब ले लिए हम लोग ने और थोड़ा घूम भी लिया यहाँ का मार्केट और आपको भी दिखा दिया कैसा मार्केट है। तो चलिए अब चलते हैं अलमोद के लिए और बीच में कुछ नारायण देवघर के मंदिर वगैरह आएंगे वहाँ के भी दर्शन कराएंगे और फिर हम लोग जाएंगे जुनार देव, नहीं सॉरी सॉरी जुनार देव में तो अभी है, हम लोग जाएंगे अलमोद। तो चलिए आगे मिलते हैं आप। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जुनार देव के मंदिर में, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं और हम लोग भी दर्शन करते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके जुनार देव के शिव शक्ति सिद्धपीठ मंदिर पे, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहीं से जो महादेव की यात्रा होती है पैदल यात्रा वो स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे बड़े बड़े शरारती बंदर है, तो चलिए आपको अंदर चल के दर्शन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे बंदर बैठे हुए हैं, ये मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, तो ये देखिए बाहर से ही दर्शन कर लीजिए हमारे शिव शक्ति जी के, जय श्री मां। तो गाइस ये बाजू में भी मंदिर है, तो चलिए अभी इधर चलते हैं। और ये जो पानी देख रहे हो आप, ये पहाड़ का पानी है जो कि ऊपर से आ रहा है, अभी बहुत ही कम पानी दिख रहा है इधर, पानी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ से फ्लोइंग ज़्यादा बढ़ेगा, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा पानी गिर रहा है, फिर ऊपर में भी है पानी, देखते जा के और आपको भी दर्शन कराते देख सकते हैं।
मैं यहाँ पे एक ऐसी बहुत बहुत अच्छी जगह में आया हूँ, तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ की बहुत ही प्यारी जगह है, मस्त पानी बह रहा है यहाँ से बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से। तो पहले आपको यहीं से दिखाता हूँ, फिर थोड़ा नीचे जाके दिखाऊंगा। गाइस बहुत ही प्यारा सीन लग रहा है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ का सीन देखे होंगे, वाटरफॉल बहुत ही अच्छा है, मंदिर भी इतना छोटा था, मगर यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि आगे भी जाना है, ऑलमोस्ट पहुँचना है शाम तक के। तो चलिए आगे चलते हैं। वहाँ से वो जो पत्थर का आकार है और जो पानी की धारा बहती है वो हत्ती कोटा के आकार की है, और दूसरी बात यहाँ पे शिव पार्वती चौसर खेलने के लिए आती थी। तो गाइस मैंने तो आपको बोल दिया था कि सुंदर सा वाटरफॉल है, बट ये वाटरफॉल नहीं, ये भी एक दर्शन का मार्ग है। हत्ती गोटा बोलते हैं और सात घघरी भी बोलते हैं, तो हम लोग ने वहाँ जाके उनके दर्शन किए, आपको भी बताए। तो चलिए अभी आगे चलते हैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी पहुँच चुके हैं नागठाना में, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि हम लोग ने नारायण देव को स्किप कर दिया क्योंकि लेट हो जाएगा फिर वहाँ आलमोट पहुँचने के लिए, तो हम लोग ने उसे स्किप कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं नागठाना भगवान के दर्शन करने के लिए और फिर सीधा निकलेंगे आलमोट के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ते तो गाइज अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आलमोद में। तो हम लोग ने यहाँ पे एक घर लिए, एक रात के लिए रेंट में यहाँ पे रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे और यहीं रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम लोग अभी रात को कहाँ रुकने वाले, क्या खाना बनाने वाले और कहाँ सोने वाले। चलिए गाइज दिखाते हैं आपको। ये देखिए अभी रात को हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा चूल्हा है, यहाँ पर खाना बनाएंगे। आधे जेंट्स इधर आ जाएंगे और जो लेडीज डिपार्टमेंट है वो इधर आ जाएंगे, दोनों इधर सो जाएंगे। और ये है आलमोद गांव, आपको बाहर से दिखा दूँ थोड़ा। शाम होने वाली है, बस अंधेरा होने वाला है कुछ देरों में। अभी ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा के रखूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, वरना एक्चुअल सीन दिखाऊँ तो ये देखो काफ़ी अच्छा गाँव है, शांत गाँव है। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर का गेम चालू है, वहाँ पे काका श्री सो चुके हैं और यहाँ पे प्रीतम भैया भी सो गए हैं, और यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर क्रिस पप्पा की मालिश करके दे रहा है, और इधर भगत लोग बना रहे खाना। सेवा भगत, सेवा सेवा। यहाँ पे क्या बन रहा है? पुलाव बन रहा है, देख सकते गाइस अभी थोड़ा मसाला वगैरह डाले और ये सब्जी वगैरह काटे हैं, और इधर रिलैक्स चल रहा है अंदर में लेडीज पार्टियों का। गुड मॉर्निंग, तो आज हमारा सेकंड डे, हम लोग आलमोद में है, देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे फॉग दिख रहा है, आगे पीछे रास्ता ज़्यादा लंबा कुछ दिख नहीं रहा है, और काफ़ी रात को पानी भी आई, तो हम लोग ने भजन वगैरह किए, भजन करने के बाद खाना वाना खाया और काफ़ी थक भी गए थे, तो जल्दी सो गए, तो मैंने आपको उसके आगे का ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं दिखाया। तो अभी हम लोग जाने वाले पद्मशेष, आज दोपहर तक हम पद्मशेष पहुँच जाएंगे। तो चलिए आपको एक एक चीज़ बताएंगे यात्रा में, और हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और हम लोगों ने कल नारायण देव के दर्शन नहीं किए क्योंकि यहाँ आने पे लेट हो जाता, तो ड्राइवर थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था इसलिए। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, पैकिंग वैकिंग करते हैं अपने बैग का और आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। गाइज ये देखिए कितना फॉगी फॉग है इस गांव में, देख सकते हैं।
अभी हम लोग पहाड़ में हैं और आगे पहाड़ जाना है, तो देख सकते गाइस पूरा पिताश्री भी आ गए है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और ये हमारा सेवा भगत इधर आ गया है, हर बोला हर हर महादेव। तो ये पैकिंग वैकिंग चालू है गाइस, अंदर में पैकिंग करते हुए फिर निकलेंगे आगे। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा में पदम शेष के लिए। सभी लोग आ गए हैं और कुछ लोग पीछे हैं जहाँ पे हम लोग रुके थे। हर बोला हर महादेव, पंचमुखी गिरजा पार्वती, हर बोला हर महादेव। ये हमारे ग्रुप में सबसे सीनियर भगत है, उसको बोलो। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल में कुछ दिख नहीं रहा है, सुबह के 8:09 बज रहे। तो गाइस अभी आलमोट गांव से निकल रहे हैं। ये हो तो मेरे जैसे, वरना होना। हर बोला हर महादेव, पार्वती हर बोला हर महादेव, हरियर। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता ही है, हम लोग अभी आलमोट गांव में। तो आलमोट जो ये गांव है, ये भी एक पहाड़ के ऊपर ही गांव है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग बादलों के बीच में, पीछे पूरे फॉगी फॉग है, आगे पीछे जो जहाँ देखेंगे वहाँ फॉगी फॉग है। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बहुत ही रंगीन और सुहाना मौसम हो चुका है। तो मेरा आउटफिट भी देख सकते हैं, एक बनियान पहना हूँ, एक हाफ चड्डा है, क्रॉक्स है और एक बैग है जो कि हमारा सामान है। इसमें कुछ कपड़े वगैरह है, खाने पीने की चीज़ें है और एक बेडशीट वगैरह है। तो ये लेके चलते हैं और इस यात्रा में आपको अच्छे अच्छे नज़ारे और सुहाने चीज दिखाते। तो चलिए चलते हैं पदम शेष। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, एक खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था है। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, देख सकते हैं गौरव नाश्ता पुलाव लेके आया गरम गरम, काफी तेज हो गया है। तो अभी हम लोग रुके हैं, हर महादेव। तो अभी हमारे सारे ग्रुप वाले इधर खड़े गाइस खाना वाना खा रहे हैं। हर महादेव, पार्वती हर महादेव। चलिए गाइस थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर यात्रा कंटिन्यू करेंगे अपनी। गाइस अभी खाना तो हो गया पुलाव, अब चाय भी हो गई है, चाय पी रहे पप्पू और क्रिश। देख सकते हैं यहाँ पे काली चाय जंगलों के बीच में। और ये है भगत जो कि पूरी व्यवस्था कर रहे हैं इधर खाने पीने की, यात्रीगणों की। देख सकते हैं ये गिरी है, इन लोग ने छोटा सा मंदिर बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर पुलाव वगैरह बांटने जा रहे हैं वहाँ पे चाय। तो गाइस देख सकते हैं ये जगह में अभी हम लोग ने खाना खाया, और इस जगह के पीछे व्यू देखो, दिख रहा है कुछ वाटरफॉल बह रहा है ना पहाड़ के ऊपर से, देखिए ऐसा लग रहा है कि दूध बह रहा है घर के। तो ये कोई जो हमारे लिए सुविधा दे रहे हैं कोई 5-स्टार होटल से कम नहीं इस जगह में, और ये हमारे भैया शेफ कुक। तो देख सकते हैं गाइस कुछ ग्रुप मेंबर हमारे आगे भी बहुत आगे पहुंच चुके हैं,
जो कि दिख भी नहीं रही, तब काफ़ी कोहरा है और बाजू से छोटी छोटी सी नाली बह रही है और पीछे से भी कुछ यात्री आ रहे हैं, वो भी हमारे ग्रुप मेंबर है। तो चलिए अभी चलते आगे। तो गाइस देख सकते हैं कितना फोर्स है पानी में, ये छोटा सा नाला है मगर फोर्स काफ़ी ज़्यादा है पानी में, आवाज़ भी देख सकते हैं। हाथ पकड़ के हमको पार करना पड़ेगा। हरबला हरमादे जा पार्वती हरबला हरमादे। तो गाइस अभी हमको ऐसी संकल्प पकड़ के जाना पड़ेगा, तो चलिए मैं ब्लॉग बंद करता हूँ, पहले हम नदी पार करते हैं। यहाँ से पानी आ रहा है एक तरफ से, वहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो चुका था। और ये देखिए चल 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 कल 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 करते हुए पानी आगे बढ़ रहा है और वैसे भी हम लोग धीरे धीरे अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अरे अरे मस्ती नहीं। तो गाइस देख सकते हैं अभी पानी आ रहा है, तो सभी लोग ने अपनी गोमची और रेन कोट टाइप निकाल ली है। तो मैंने भी, तो गाइस अभी हम लोग काजरी जाएंगे, काजरी जाने का रास्ता यहाँ से है और पचमढ़ी जाने का रास्ता यहाँ से। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे, लेफ्ट लेंगे और हम लोग अब यहाँ पे वन विभाग के अंदर आ चुके हैं, पूरे फॉरेस्ट के अंदर। पहले भी थे मगर अब यहाँ से घना जंगल चालू हो जाता है, सभी लोग यहाँ पर आ गए। देख सकते हैं आप फॉरेस्ट गेट है यहाँ पे, अब इसके आगे किसी की गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट की गाड़ी जाएंगी। और यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप मेंबर आ चुके हैं, काफ़ी बारिश भी हो रही है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक ही झनके आने की रास्ता है, यहाँ पर एक झनके आने का रास्ता है, बस एक एक करके आ रहे सभी लोग। ये हमारे सभी सेवा भगत और सेवा भक्तिन भाई आ रही, सेवा भक्ति सेवा भक्ति हरे यार, सेवा भगत सेवा सेवा सेवा। चलिए गाइस अभी आगे चलते हैं। अरे अरे ना, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और देख सकते हैं कैसा रास्ता है यहाँ पर, ऐसे जाना है। पानी इस बार काफ़ी है तो फिर से फ़ोन में मुझे अंदर रखना पड़ेगा ताकि आपको आगे तक की शूटिंग दिखाऊँ, ताकि फ़ोन ख़राब ना हो। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे सभी भगत जा रहे हैं लाइन से धीरे 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 धीरे, और मैं भी जा रहा हूँ। तो गाइस मैं भी अभी जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो चलिए अभी थोड़ा रिस्की एरिया है यहाँ पर, धीरे धीरे। तो मैं फ़ोन अंदर डाल लेता हूँ अभी। काफ़ी फोर्स है नदी का, हम लोग तो पार कर चुके हैं मगर अभी देखिए कैसा पार कर रहे हैं सभी यात्रीगण को मदद करके। काफ़ी फोर्स है, घुटने तक की पानी है मगर फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, पानी लेके बह सकता है इंसान को, इसलिए भगत लोग सेवा कर रहे हैं सभी भक्तों की। तो हर वाला हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते गाइस अपने यात्रा पे। तो गाइस ये देखिए कितनी तेज नदी है यहाँ पर, और हमको क्या आपको लग रहा है कि यह हमें पार करके जाना है? यहाँ पे पुल भी नहीं है गाइस। गाइस देख सकते हैं कितनी तेज नदी है और यहाँ पर पुल भी नहीं है पार करने के लिए, और हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमको ये नदी पार करके जाना है? नहीं गाइस, हम सिर्फ इस नदी की पूजा करने आए हैं। ये दो नदियों का संगम है, एक बेटी है और एक माँ है ऐसा कहा जाता है, और इस जगह में दो माँ और बेटियों का संगम हो रहा है। देख सकते हैं वहाँ पर एक माँ अपने बच्चों को नहला रही है। चुके हैं श्रावण बांध में, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पीछे पूरा चिकल ही चिकल है, पहाड़ों से पूरा जो मट्टी उतरती है वो यहाँ पर जमा हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं श्रावण भगवान के दर्शन करते हैं श्रावण बांध के, और आपको भी कराते हैं। राधे 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 राधे। तो हे गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं काजरी, अब हमें सिर्फ एक ही पहाड़ चढ़ना है तो हम पहुंच जाएंगे सिर्फ मेन दरबार में, पद्म शेष बाबा के दरबार में। तो हमारा सिर्फ एक ही पहाड़ बचा है, और ये देखिए ये भी भैया है हमारे साथ। तो चलिए अभी चलते हैं, पानी भी थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है, तो चलिए आगे चलते हैं।
और अच्छे अच्छे नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो ये गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं काजली और देख सकते हैं काफ़ी यात्रीगण आ गए हैं और अभी दुकानें लग रही है क्योंकि आज यात्रा का फर्स्ट डे है और हम ऐसे जगह पे हैं कि हमारे चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है और फॉग ही फॉग दिख रहा है और ये जो ठीक मेरे सामने जो देख रहे हो आप ये निशानगढ़ है और काफ़ी यात्रीगण आ रहे हैं। आज पहला दिन है, दुकानें वगैरह लग रही है और जिप्सी जो है काजली तक ही आती है, आपको अवेलेबल यहीं तक के मिलेंगी, इसके आगे आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगा अपने पैरों से अपने हाथों से जो भी है आपके पास उससे। तो चलिए चलते आगे। तो गाइज अभी देख सकते हैं आप आजू बाजू में शॉप लगी हुई है, कुछ जो इम्पोर्टेंट नीड्स है उसके लिए काफ़ी यात्रीगण दिख रहे हैं आजू बाजू में और काफ़ी दुकान लगी रही है। तो अभी हमको चल रहे हैं पदम से इस द्वार, तो चलिए चलते हैं। पप्पा और गौरव आगे निकल चुके हैं, हम लोग पीछे हैं फ्री शोर में। तो चलिए गाइज चलते हैं आगे। पदम से द्वार में देख सकते हैं बारिश हो रही है, यही मेन दरबार है नागद्वार स्वामी आरती के लिए मंडल का देख सकते हैं। काफ़ी श्रद्धालु यात्रीगण यहाँ पर खड़े हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं, अभी हम लोग अंदर वहाँ स्टे करने वाले रात को दर्शन करेंगे फिर। देखिए गाइस काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है इधर सामने, श्रद्धालु यात्रीगण खड़े हैं, आजू बाजू में दुकानें वगैरह है और हम लोग जा रहे हैं अभी गिरी में, तो कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और वहीं पे स्टे करेंगे अभी रात भी और हम लोग शाम के टाइम में दर्शन करेंगे जब थोड़ा खाली हो जाएगा तब आपको भी अच्छे से दर्शन करवा देंगे। तो चलिए गाइस अभी नीचे उतरते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ना फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, यानी कि हम लोग कपड़े अपने बदल लिए अभी देख सकते हैं आप, और अभी हम पदम से इसमें ही स्टे कर रहे हैं। तो सबसे पहले खाना वाना खाते हैं फिर यहाँ के आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले खाने में देखते क्या है। तो गाइस खाने में है दाल चावल है देख सकते हैं आप। देख सकते हैं जंगल में पास्ता खा रहे हैं और वो भी फ्री महाप्रसाद, ये देख सकते हैं आप, ऐसा है हमारे नागद्वार का यात्रा, पास्ता बट रहा है। हमारी तरफ से हमारे गिरी में पास्ता का आइटम बना है। गाइस तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके पदम शेष में और ये पापा के साथ एक छोटी सी बच्ची खेल रही है, राधे राधे, छोटी सी बच्ची खेल रही है। आए कर दो, आए बाय कर, बाय झूला 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 झूला। तो गाइस अभी यहाँ पर अभी हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं, फिर खाना वाना खाएंगे। गौरव मेरे साथ है, पापा इधर है, क्रीश है, बाकी लोग ऊपर गए दर्शन करने के लिए, तारांगण वगैरह देखने गए, हम लोग नहीं गए, हम लोग थोड़े थक गए तो रात को अच्छे से दर्शन करेंगे और आपको पूरा अच्छे से व्यू दिखाएंगे, यहाँ पे खाना वाला भी यहीं पे खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं रात।
भाई अभी हमारे यात्रा का थर्ड डे है और हम लोग जा रहे हैं निशानगढ़। तो काफ़ी पानी आ रही है इसलिए कवर के अंदर डाल के हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, तो क्लियर थोड़ा आएगा नहीं शायद वीडियो, तो एडजस्ट कर लेना गाइस। काफ़ी पानी आ रहा है, मैंने देखो अभी रेनकोट वगैरह नहीं पहना है और गुमछी वगैरह भी नहीं लिया है। तो हम लोग जा रहे हैं निशानगढ़ की ओर, हमारे साथ काफ़ी सारे भक्त हैं और कुछ भक्त यहीं पर पद्मशेष में रुके हैं, उसमें मेरे पापा भी इंक्लूड है, वो भी पद्मशेष में रुके हैं और गिरीश भी वहीं रुका हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं निशानगढ़ के दर्शन करने के लिए और आपको भी कराते हैं इस बार कुछ नया अनोखा, देखते हैं कि निशानगढ़ कैसा होता है, क्या है और कैसा व्यू होता है। तो चलिए गाइस चलते हैं निशानगढ़ के लिए। गाइज हम लोग काजरी पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं हम निशानगढ़ के रास्ते। देख सकते हैं हमारे ग्रुप वाले आगे बढ़ चुके हैं और पानी भी थोड़ा सा रुक चुका है। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं। और कहा जाता है कि पद्मशेष तो भी ठीक है, बाकी सब यात्रा तो भी ठीक है, मगर निशानगढ़ की जो यात्रा है, जगह रास्ता बहुत छोटे छोटे से है, पहाड़ भी बहुत कठिन है। तो चलिए गाइज अभी चलते हैं निशानगढ़ की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर एक या दो ही आदमी आ सकते, ज़्यादा आदमी नहीं आ सकते। और कुछ कुछ दूर में यहाँ लिखा हुआ है निशानगढ़ मार्ग, काफ़ी यात्रीगण दिख रहे हैं यहाँ पर जाने के लिए। तो चलिए हम भी चलते हैं उनके साथ साथ और आपको भी व्यू दिखाते हैं निशानगढ़ का। अभी हम लोग निशानगढ़ चढ़ रहे हैं, शायद आधा भी नहीं पहुँचे, मगर हम लोग अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में है, सामने आगे पीछे पूरा फॉग ही फॉग देख सकते हैं आप। देखिए और काफ़ी भगत लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं हमारे पीछे पीछे। हर यार यार, तो चलिए गाइस अभी आगे बढ़ते धीरे धीरे और देखते हैं नए नए चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी बताते हैं। मैं तो आने नहीं वाला था पर सोचा आप लोग के लिए आ जाओ करके आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ निशानगढ़ का, क्योंकि लास्ट टाइम आए नहीं थे। तो चलिए गाइस चलते हैं और देखते हैं ऊपर से क्या व्यू दिखता है। हम लोग काजरी के पास से देख रहे थे निशानगढ़, तब तक तो विलुप्त हो चुका था बादलों के वजह से। तो चलिए अभी आगे बढ़ते और देखते हैं रंगीन नज़ारा। तो गाइस ये सभी लोग लाइन में खड़े हैं और देख सकते हैं सामने निशानगढ़ की कितनी खड़ी चढ़ाई है और पूरी फॉग ही फॉग, पूरे हम बादलों के बीच में है और हमारे लेफ्ट साइड में पूरा खाई ही खाई है। सेवा भगत, सेवा सेवा। परसेंट चढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा सा ही बचा है ऊपर जाने का और काफ़ी बारिश भी हो रही है तो ब्लॉगिंग शूट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, जितना वैसे पॉसिबल हो रहा है उतना शूट कर रहा हूँ। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, 15-20 मिनट और ट्रैकिंग करना है फिर हम पहुँच जाएंगे सीधा टॉप पे। तो चलिए ऊपर ही मिलेंगे आपको डायरेक्ट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं निशानगढ़ के टॉप पे, देख सकते हैं यहाँ झंडे हैं, लोग अपने मन्नत से झंडे लेके आते हैं यहाँ पर निशानी लगाने के लिए। तो यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है हमारे ग्रुप वालों का, गौरव फोटो ले रहा है और हम लोग इस वक्त बादलों के बीच में है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस, हम अभी बादलों में है। कहाँ है, बादलों के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ झंडे दिख रहे हैं। और ये है बहुत खूबसूरत वादियाँ, स्वर्ग है ये स्वर्ग। मम्मी मैं नागपुर पहुंच गया।
नानक नमन गौरा पार्वती पंचमुखी गिरजा पार्वती आज अभी हम लोग की निशानगढ़ के दर्शन हो चुके हैं। अभी हम लोग नीचे वापस जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे पानी वानी चालू हो रहा है और ट्रैकिंग भी बहुत खतरनाक है, तो हम लोग आपको सीधा मिलेंगे नीचे काजरी में। तो चलिए गाइस चलते काजरी सबसे पहले। पापा नहीं नहीं पापा पदम से इसमें भी। तो गाइस अभी हमको हमारे सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पर, हाय कर दीजिए। तो चलिए गाइस अभी खाने का मजा लेते हैं, खाना खाते हैं और फिर पदम से वापस जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके श्रावण बांध, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, तो खाना वाना खाते हैं और फिर वापस से जाते हैं पदम से। तो गाइस बढ़िया बालू सा है, सब्जी रोटी है और चावल है, आलू की सब्जी है। अभी हम त्रिपाल के नीचे खड़े करके ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, तो चलिए गाइस खाते जंगल में इडली खा रहे हम लोग। इडली उस पर आज झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। अरे तो यात्रा का फोर्थ डे है और हम लोग जा रहे हैं अभी पश्चिम द्वार। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं पद्म स्टेज से, हमारी आरती वगैरह भी हो चुकी है, तो अभी चलते हैं पश्चिम द्वार की तरफ और आगे आपको बताते हैं कैसा कैसा सीन है। काफ़ी श्रद्धालु और यात्रीगण है यहाँ पर, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आपको सीन दिखाते हैं।
करते हैं तो हम लोग ने इस बार हरिद्वार जाना कैंसिल कर दिया है, कुछ नई जगह जा रहे हैं, अभी तो यहाँ से डायरेक्ट चिंतामणि जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रास्ते में और रंग बिरंगी नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं। हरे भरे सुहाने मौसम और मस्त बारिश आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्मा कितने साल के हो अम्मा आप? अरे बताओ ना अम्मा। 59 देखिए गाइस 59 साल के अम्मा और हमारे नौजवान लोगों के लिए यात्रीगणों के लिए सेवा गुलाब जामुन दे रहे भक्त जनों को। गुलाब जामुन है, दाल है, दाल है, चावल है, सब्जी रोटी है घने जंगल में। तो अम्मा के लिए एक बार हरबला हरबला। तो भक्तों अभी हम लोग हैं नागिनी पद्मिनी में, एक छोटे से गुफे के अंदर में है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफी धुआं है यहाँ पर और काफी यात्रीगण भक्त लोग भी है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। तो गाइस हार्डली यहाँ पे 2.5 से 2 फीट की जगह है और वहीं पे मंदिर है छोटा सा भगवान का, देख सकते हैं इधर। ये है नागिनी पद्मिनी। हेलो श्री नागिनी पद्मिनी भगवान की जय। तो गाइस सबसे टॉप है राजगिरी का रास्ता, बहुत ही रास्ता अलग है, सिर्फ पैर रखने के लिए जगह है, हाथ रखने के लिए भी जगह नहीं है, रस्सी के सपोर्ट से आना पड़ता है ऊपर। तो चलिए चलते आगे और देख सकते हैं कैसा रास्ता है। बाजू में पूरा खाई है, नीचे अभी हम लोग नागिनी पद्मिनी गए थे वो जगह है। तो चलिए अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ और आगे जाता हूँ। गाइस गाइस देख सकते सरकना मुंडी जाता। गाइस देख सकते कैसे आ रहे हैं, बहुत हेलो गाइस नीचे भी देख लो गाइस, और नीचे देखो पूरा खाई है। और यहाँ पर बस एक जन के चलने का रास्ता है, वो भी धीरे धीरे, मैं खड़ा हूँ माउंटेन डी होटल के आगे जीत है। और ये देखिए। तो गाइस मैं अभी कैमरा बंद करता हूँ और मैं अपनी पहली ट्रैकिंग कंप्लीट करता हूँ गाइस। ये गिरी को राजगिरी कहते हैं, यहाँ पे भगवानों का जो अपनी कोर्ट कचेरी भरती है, ये कोर्ट कचेरी है भगवानों की। पूरी यात्रा होने के बाद यहाँ पे सभी भगवानों की कोर्ट जैसे कचेरी रहती है और किसके पास कितने भक्त है आते हैं उसका यहाँ लेखा जोखा होता है। पंचमुखी गिरजा पार्वती हरबला। तो गाइस ये देखिए यहाँ की मट्टी बहुत सॉफ्ट है, पैर रखते ही अंदर अंदर जा रही है। ये पहाड़ है जबकि, और आप सामने देख सकते हैं क्या गुफा है इधर, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। ए मगर इधर गाइज मैं बता तो नहीं सकता हूँ। हाँ 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 गाइज मगर यहाँ फील करने वाली चीज है, ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम। और ये देखिए हम एक गुफे के अंदर है, यहाँ हो सकता है हम लोग जब यात्रा में ना हो तो यहाँ शेर भी होता होगा। बहुत अच्छी गुफा है, भगवान भी है, ये भगवान भी है यहाँ पे। हाँ ये देखिए भगवान का, प्राणियों का काफी सारा यहाँ पर है। ये भैया हमको टॉर्च के जरिए दिखा रहे, थोड़ा दिखा दो तो, हाँ थोड़ा ऐसा घुमा दो गुफे की तरफ ऐसा। गाइस तो अभी हम लोग गुफे के अंदर है पूरी हमारे टीम में ग्रुप, सिर्फ पानियों की आवाज आ रही है, हम लोग आवाज नहीं कर रहे ताकि कोई भी प्राणी होगा भगवान होगा तो उसे डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से हम यहाँ पर आवाज नहीं कर रहे। काफी कीचड़ है गाइस यहाँ पर।
की गिरजा पार्वती हर 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 महादेव हरिहर हरिहर। गाइस यहाँ पर हम लोग गए अभी गुफे के अंदर, राजगिरी में है अभी हम लोग मौजूद है। बट सच्ची बता रहा हूँ, जितना भी मैं यात्रा किया अभी तक के मंदिर वगैरह जितने भी गया, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया। यहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस था और काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी अंदर गए थे हम लोग, और उस टाइम पे हमारे ग्रुप के अलावा दूसरा पर्सन था ही नहीं, और इतनी शांति थी। अगर यहाँ अकेला इंसान नहीं आ सकता, यात्रा में भी अकेला इंसान नहीं आ सकता, और अंदर ही अंदर काफ़ी सारे रास्ते हैं, और हो सकते हैं यहाँ पर जब यात्रा वगैरह ना हो तो यहाँ पे शेर, तेंदुआ, जो और कुछ भी जीव जंतु प्राणी है वो रह सकते हैं। कई सारे बाबा यानी हमारे नागद्वार स्वामी, नाग स्वामी यहाँ पर विराजमान करते हैं। तो चलिए गाइस अभी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी टफ रास्ता है यहाँ पर आने का। मैं कल निशानगढ़ चढ़ के उतरा, बट वहाँ से ये वाला रास्ता बहुत ही टफ लगा। भले है छोटा सा, हम 15 से 20 मिनट में चढ़ गए, मगर बहुत टफ है, इतने से रास्ते खाली, तो उसका भी अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए आगे चलते हैं। पंचमुखी गिरजा पार्वती हर वाला हर हर महादेव। गाइस काफ़ी टफ है ट्रैकिंग, देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की मदद करते करते धीरे धीरे उतर रहे हैं। मैं भी उतरा हूँ, पप्पा भी पीछे है। गाइस पहाड़ का डर लग रहा है। गाइस देख सकते हैं सिर्फ ऐसी पैर रखने के लिए जगह है यहाँ पर, देख सकते हैं सिर्फ पैर रखने के लिए, और देखिए कैसा आना पड़ रहा है ऊपर से। तो गाइस देख सकते हैं कैसा आ रहा है ऊपर से, कुछ भी जगह नहीं है, बहुत रिस्की है। हम लोग उतर चुके नीचे और हम लोग आए वहाँ से। गाइस बहुत रिस्की है, टफ है, और सिर्फ पैर रखने के लिए जगह है। तो चलिए गाइस यात्रा में भी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चित्रशाड़ा माता के दर्शन करने के लिए। तो भक्तों देखिए कैसे रास्ता है, यहाँ पर हम पहाड़ से जा रहे हैं ऊपर चित्रशाड़ा माता के दर्शन करने के लिए। देख सकते पीछे का रास्ता माँ का दरबार, और पीछे देखो कितना सुहाना मौसम हो रखा है, बिल्कुल वादियों के बीच में भी बादल हट चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। तो चलिए गाइस चलते हैं ऊपर। तो चलो भक्तों ऊपर ऊपर चलते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो चलिए ऊपर चल के आपको और भी अच्छे अच्छे नज़ारे दिख। हम लोग फाइनली चित्रशाड़ा माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते चित्रशाड़ा मंदिर के, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी स्पेस है, यहाँ पे मंदिर वगैरह के जो पूजा पाठ का सामान है वो सब यहाँ पर बिक रहा है, दुकानें लगी हुई है। और हमारे ठीक पीछे दिख नहीं रहा हूँ, पूरा व्हाइटी व्हाइट है, हमारे ठीक पीछे अभी बाजू में नंदीगढ़ है, तो वो फॉग से भर चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो चलिए आपको आगे का सीन दिखाते हैं। सेवा सेवा। गाइस नीचे में कई सारे पब्लिक खड़े हैं वहाँ पे, यात्रीगण। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर पहाड़ों से पानी बह रहा है, काफ़ी मिनरल वाटर है। भैया इसमें अपने चप्पल हाथ पैर धो रहे हैं, हम भी धो लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
गाइज अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग चढ़ रहे हैं दमगढ़। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है तो चलिए दमगढ़ चढ़ने से पहले जोत ले लेते हैं और अपने पैरों को दे देते हैं। कहा जाता है जोत लेने से दुख दर्द हर लेते हैं प्रभु हमारे भोलेनाथ। तो चलिए चलते हैं आगे। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भजागिरी में। यहाँ पर सबसे अच्छा फेमस जो है भजिया है, भजिया तो आपको दिखाते हैं गाइस। ये देखिए भजिया है, इधर भजिया वजिया की दुकान है। आपको हर दुकान में यहाँ पर भजिया मिल जाएगा और पीछे नाच गाना चालू भगत लोगों का। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग भजागिरी में भजिए का मजा लेते हुए अंकल जी हमारे साथ, अंकल जी चाय का मजा ले रहे हैं हमारे साथ। तो गाइस देखते हैं यहाँ का भजिया कैसे है। नागपुर से नमक कम है।